नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। फिर से एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी फिर से हम लोग मरकरी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। मरकरी अगर कैप्रिकॉन लगन में हो तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आपको। और क्या बोलते हैं, अगर आपको फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग चाहिए तो डिटेल दे दीजिए अपना व्हाट्सएप में। मेरा जो टाइटल में नंबर है उस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, अपने डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आप लोगों की कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करूँगा। 30 अगस्त तक का भी टाइम चल रहा है, जो राउंड चल रहा है उसमें आपकी रीडिंग प्रोवाइड की जा सकती है। तो आपको फ्री कुंडली रीडिंग सिलेक्टेड लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो वो जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, जेंडर और साइमल्टेनियसली अपने दो सवाल, ये सब मुझे अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दीजिए। साइमल्टेनियसली ये बोलूँगा जिनको रिपीट करवाना है अपनी कुंडली, जिनकी रीडिंग नहीं हो पाई है, वो रिपीट लिख के 30 अगस्त लिख के भेज दीजिए। बहरहाल जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूँ, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट करने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन करता इसलिए हूँ जिनकी हो सके, जो लोग न्यू जो पहली बार देख रहे होते हैं उनको मदद हो जाए। साइमल्टेनियसली जो लोग रिपीट देखते हैं उनको भी, अगर नया वीडियो देख रहे तो उनको भी मदद हो जाए। अब बात कर लेते हैं जी कि मरकरी अगर कैप्रिकॉन लगन में हो तो क्या असर देता है। अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है पहले घर में, तो आपका लगन कैप्रिकॉन हो जाता है और आपका जो ओनर होता है वो सैटर्न हो जाता है। शनिदेव आपके ओनर है लगन के। यहां मरकरी अगर पहले स्थान पर बैठ जाए तो क्या रिजल्ट है? काफी अच्छा रिजल्ट होगा, काफी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे, लेट्स सी। मरकरी यहां पे सातवें घर को देख रहा है, एज एन एक्सपेक्टेड, हर पहले घर का मालिक हमेशा सातवें घर को देखता है और मरकरी की एक ही दृष्टि होती है। मरकरी यहाँ पे पंचमेश का मालिक है, 3rd नंबर 5 नंबर पे लिखा है, और अष्टमेश का मालिक है, 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। मरकरी के यहाँ पे अगर होने से हम लोगों को, अगर हम चाहें तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पे 8वें घर का मालिक होके पहले घर में बैठा हुआ है। पहले घर में बैठने के कारण मरकरी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि का मित्र है। अगर शनि अच्छे पोजिशन में हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बीमारी चलती रहेगी, रीज़न बिंग 8वें घर का मालिक है और 8वां घर हमेशा थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, तो मरकरी यहाँ पे नेगेटिव होके बैठा है। लेकिन पंचमेश का मालिक होके बैठा है इसलिए नेगेटिव इफेक्ट्स उतने नहीं होंगे जितने पॉजिटिव होंगे। ये 60-40 का रेशियो बना के चलेगा। आपके हेल्थ में अगर प्रॉब्लम भी हुई तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पहले नेगेटिव चीज़ों की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगर मरकरी पहले घर में बैठा हुआ है तो आपके ससुराल पक्ष से आपको अच्छा रिलेशनशिप बनने का चांसेस कम हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप खास अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ससुराल पक्ष से, आपके इन लॉज के साइड से उतना अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 का रिलेशनशिप बनाता है, तो ससुराल पक्ष से अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है। लेकिन इसका रीज़न इससे ये मत सोचिएगा जी कि इससे आपको फाइनेंशियल कोई लॉस होगा। रीज़न बिंग पंचमेश का मालिक होके पहले घर में बैठा हुआ है, तो नरमरकरी यहाँ पे पॉजिटिव है, और 6ठे घर का 8वें नंबर का अगर आप देखें तो 8वें घर का मालिक होके अगर पहले घर में बैठा है तो वाइफ के फैमिली से, कुटुंब से आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नोटिस करें तो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि शनि देव के लगन में, चाहे मैंने कैप्रिकॉन की बात करी या आपसे मैं अभी एक्वेरियस लगन की बात कर रहा हूँ, दोनों लगन में शनि देव ने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव घर मरकरी को प्रोवाइड किया है। और अगर आप देखें तो शनि की कुंडली जो भी होती है, जो लगन होते हैं, उसमें शनि हर किसी को उस तरीके की घर प्रोवाइड करता है जिस तरीके के वो नेचर में होते हैं। अगर प्लैनेट मरकरी को एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव घर दिया गया है तो उसका नेचर ऐसा ही है, ड्यूअल नेचर का होता है मरकरी। तो अगर ड्यूअल नेचर का मरकरी है, क्योंकि मरकरी हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता है, एक एनालिटिकल पावर अपने पास रखता है, तो अगर एक एनालिटिकल पावर वाला प्लैनेट हो और ड्यूअल नेचर का हो तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर मरकरी किसी के साथ बैठ जाए, किसी के साथ हो जाए, तो वो उसकी तरह भी इफेक्ट देने लग जाता है, क्योंकि ड्यूअल नेचर का होता है वो इट गेट अफेक्टेड वेरी इजीली, वो बैलेंस आउट करने में इफेक्ट करता है जिनके साथ वो बैठता है। इस कारण वह शनिदेव ने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों घरों का मालिक बना के मरकरी को पहले, मरकरी को यहाँ पे अलॉट किया है। तो हमेशा ये देखिएगा जी कि मरकरी, शनिदेव ने अपने हिसाब से मरकरी को उनके पोजीशन के हिसाब से अपना अपना घर दिया है, तो यहाँ पे मरकरी का नेचर जो ड्यूअल है तो वैसा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो एज अ मित्र है शनि के मरकरी,
इस कारणवश मरकरी की अगर दोस्ती है शनि के साथ, इस कारणवश बेनिफिट ये होता है कि दोस्ती का एक बेनिफिट वो शनि मरकरी को देते हैं और हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहता है, नेगेटिव साइड कम रहता है, लेकिन नेगेटिव साइड ख़त्म नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, लेकिन सडन गेन का भी ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर मरकरी पहले घर में बैठे सडन गेन दिलाता है, साइमल्टेनियसली इन लॉज से और वाइफ के कुटुंब से पैसा दिलाता है। मरकरी यहाँ से अपना सीधी दृष्टि सातवें घर में दे रहा है जो कि सूर्य का घर है, पंचम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मरकरी बैठे हुए आपकी वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा कर देता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मरकरी सन के साथ मरकरी का अच्छा रिलेशन बनता है, उतना ख़राब नहीं होता। और मरकरी एज एन एनालिटिकल पर्सन और एज एन कैलकुलेटिव पर्सन सन को वो पसंद है, अथॉरिटिव होता है सन, लेकिन कैलकुलेशन और एनालिटिकल को समझता है। हालांकि शनि की कुंडली में 11वें घर में वाइफ के साथ हमेशा क्या बोलते हैं कुंभ लगन में उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि शनि और सूर्य की बनती नहीं है उतनी, लेकिन सो रहती है पर्सनल लाइफ। लेकिन यहाँ पे मरकरी के बैठने के कारण यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा करेगा मरकरी, खराब नहीं करेगा। कुटुंब के साथ दिक्कत देगा उनके, लेकिन आपकी आपकी पर्सनैलिटी को उभारेगा, आपके लिए लाभ करेगा। पंचम घर का मालिक होकर मरकरी जब पहले घर में बैठा है तो नवम पंचम का योग बना रहा है पाँचवें घर से। पाँचवें घर से अगर नवम पंचम का योग बना रहा है तो एजुकेशन आपका अच्छा रहेगा, आपके बच्चे लकी होंगे, आपके भाग्य का स्थान आपके की भाग्य की ग्रोथ होगी। जब आपके बच्चों का जन्म होगा उसके बाद आपको भाग्य का ग्रोथ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अपनी एजुकेशन में अच्छा बेनिफिट मिलेगा और एजुकेशन से आप अपने किस्मत को अच्छा गेन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपको एजुकेशन लाइन में अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज और अच्छा डीप कैलकुलेटिव बैलेंसिंग एक्ट करने पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मरकरी यहाँ पे बैठे हुए छोटे मोटे लक का लॉटरी वगैरह से भी आपको बेनिफिट दिला सकता है, छोटे मोटे चीज़ों से जैसे आप लॉटरी या कुछ और करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलाएगा, क्योंकि भाग्य का नवम पंचम का योग बना रहा है पांचवें स्थान से। पांचवें स्थान से हम लॉटरी वगैरह भी देखते हैं तो वो अच्छा करेगा। रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आप शादीशुदा नहीं है और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा। यहाँ पर बैठा हुआ लंबा और अच्छा रिलेशनशिप करेगा अगर आप सिर्फ शादी से पहले की रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं तो। मरकरी के लिए यहाँ पर आप पन्ना धारण कर सकते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न में भी पन्ना धारण कर सकते हैं। मरकरी के पहले घर में बैठने के कारण आप पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि नवम पंचम का मालिक कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है तो आप ले सकते हैं पन्ना। पर अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट्स है, कोई नेगेटिव प्लैनेट का एक्सपेक्ट है इस पर, तो मैं एडवाइस करूंगा मत लीजिएगा, क्योंकि शनि अगर कहीं वीक हुए और मरकरी पे कोई नेगेटिव प्लैनेट का एक्सपेक्ट हुआ तो उस कारणवश आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज इस सिचुएशन में और कैप्रिकॉर्न के सिचुएशन में भी अगर मरकरी पहले घर में हो तो आप पन्ना आराम से धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।